अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने के वाले हैं 7.4 में, हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, तो इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस मतलब कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस, हमको कुछ स्पेशल फंक्शंस यहाँ पे दिए रहेंगे और उसके इंटीग्रल्स हमको निकालने हैं, और निकालने के बाद हमको लर्न कर लेने हैं। क्यों? उसको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं बुक में, तो आप अपनी बुक देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 307 पे बच्चों, 7.3 के नीचे हेडिंग पड़ी हुई है सेक्शन 7.4 में, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें खास बात यह है कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 लिखा है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ पीछे फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 तक तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद क्या किया है इन्होंने, इस 6 तक के फॉर्मूले को प्रूव किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो पेज नंबर 307 और 308 पे, उसके बाद 309 और 310 पे सब प्रूव किया हुआ है। फिर आप अगर 310 पे आओगे, अपनी बुक देखिए, ठीक है, तो आपको एक नया टाइप पढ़ा रहे हैं, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वाला टाइप। उसके बाद 8 टाइप भी दिया है, 9 टाइप भी दिया है, 10 टाइप भी दिया है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, मोटी मोटी बात यह है कि 7.4 में जाने से पहले आपको जो 10 टाइप्स दिए हुए हैं ना इंटीग्रेशन के, पेज नंबर 311 तक आपकी बुक में एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये 10 टाइप्स जो दिए हुए इंटीग्रेशन के, हमको यही क्या है, यही है कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जिसके हमको इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स निकालने बच्चों सीखने हैं। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करें इसको, तो देखिए इसको हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट मैं आपको एनसीईआरटी पे नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज सम पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ने के लिए हमको पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले हम उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए होंगे उसको भी बीच बीच में हम लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी पे जंप करेंगे कि एनसीईआरटी में ऐसा क्यों दिया हुआ है, ताकि हमारी अच्छी तरीके से कमांड हो जाए, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस को। बच्चों पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा यहाँ पर क्या, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके आप किस तरीके से इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक टेबल सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको लर्न कर लीजिए फटाफट, वैसे तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, पर फिर भी आप इसको लर्न कर लीजिए। देखिए आपके पास इधर हमने एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं और इधर हमने आपको बताया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर वन, अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, जहां पर ए कोई रियल नंबर होगा बच्चों, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का अगर आप कुछ मिले आपके क्वेश्चन में, तो आपको पुट करना है क्या, एक्स इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट करिए, या एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा, यहां पर ए कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नंबर टू फॉर्म आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो आपको क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है, कभी कभी बच्चों ये वाले टाइप में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में कभी कभी हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा भी रखते हैं, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान ना हो, वो सिचुएशन को देखते हुए करते हैं, वो आपको आ जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर थ्री, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले कुछ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत ध्यान से बच्चों देखना है, ध्यान से चेक करिए, अगर ए स्क्वायर पहले हो और एक्स स्क्वायर बाद में हो, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखना है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर पहले हो और ए स्क्वायर बाद में हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो बच्चों, तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रखना है या तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक थीटा पुट करना है। ठीक है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए साइन थीटा रखना है या ए कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेक थीटा रखना है या तो कॉस, मतलब ए कॉसेक ए सेक थीटा रखना है या तो ए कॉसेक थीटा एक्स का वैल्यू। ओके, उसके बाद फोर्थ टाइप जो आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स देखने को मिले बच्चों, या आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टाइप का देखने को मिले, यानी कि ध्यान से चेक करो यहाँ पर ए माइनस एक्स, ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल है, क्योंकि एक्स की डिग्री कितनी है, मतलब इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है, ये एक्स में पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री 1 है, ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल है। तो जब आपको ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टाइप का दिखाई पड़े, या ए प्लस एक्स अपॉन रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टाइप का दिखाई पड़े, तो आपको एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा बच्चों पुट करना है। और ये चीज़ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको एक बार बता चुके हैं, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे मेरे चैनल से उनको पता होगा। ठीक है, तो इसको बच्चों